अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं फिर एक बार हाजिर हो गया हूँ एक ऐसा उपाय लेकर जिससे दो लोगों को हमेशा के भी लिए अलग कर सकते हैं और दो लोगों में लड़ाई करवा सकते हैं। दोस्तों, उपाय इतना आसान है, एक बार आपने कर लिया तो दो लोगों में नफ़रत पैदा हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। किसी भी उपाय को करने के लिए हमेशा के लिए आप इस उपाय को एक बार करके दो लोगों में नफ़रत पैदा करवा सकते हैं और उन दो लोगों को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। किस तरीके से आपको उपाय करना है, अच्छी तरीके से आपको पूरी विधि समझनी है ताकि मकसद में आपको कामयाबी मिले और जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहते हैं, जिस भी दो लोगों में आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो दो लोग में लड़ाई हो जाए और दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाए। कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से दो लोगों को अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उपाय करके आप इस उपाय को अगर एक बार कर लीजिएगा तो दो लोग हमेशा के लिए अलग भी हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर भी हो जाएंगे। इतना आसान यह उपाय है। तो चलिए चलते हैं एक नई उपाय की ओर। अगर आपने कर लिया इस उपाय को एक बार तो हमेशा हमेशा के लिए दो लोगों में नफ़रत पैदा हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी और दो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। दोस्तों, दो लोगों को अलग करने का सबसे आसान उपाय तो यह है कि जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर एक बार आपने कर लिया तो मकसद में सिर्फ आपको कामयाबी मिलेगी और जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहोगे वो दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इतना आसान ये उपाय है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से उपाय करा जाता है ताकि आपको बेनिफिट मिले और जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगर आप किसी भी दो लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हो तो आपको एक हड्डी लेनी है, किसी भी जानवर की हड्डी ले सकते हैं। एक हड्डी लेने के बाद आपको उस हड्डी पर नाम लिखना है उसका जिसको अलग करना है। जैसे कि एक का नाम है ममता और दूसरे का नाम है गीता, तो ममता गीता उसके नीचे लाइन खींचनी है और नौ कोलम को वक्त जिसमें सभी में नाइन नाइन, ऐसा करके ज़मीन में दबा दीजिए।